मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी दीवारें थीं। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, ये देखो, ये वाला खाना और ये वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, ये तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद ये वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, ये बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और ये फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और ये किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई।